हेलो फ्रेंड्स, साथी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ध्वनि ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और जो लोग ध्वनि ऐप्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज के वीडियो से कोई बेनिफिट नहीं होगा दोस्तों। और जो लोग ध्वनि ऐप्स यूज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज के वीडियो से कुछ फ़ायदा होंगे, कुछ बेनिफिट मिलेंगे, मतलब उसमें नॉलेज मिलेगा दोस्तों क्या क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है ध्वनि कैश का लॉक, ठीक है। उसमें लॉक है तो उसको किस तरह से यूज़ कर पाएंगे हम लोग, और वो लॉक तोड़ने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। और दोस्तों, YouTube में कुछ वीडियो ऐसा भी मिला है कि ध्वनि कैश से पेटीएम में यूज़ करें, ऐसा कुछ कुछ करके बता के वीडियो बनाए दोस्तों। उसका सच्चाई क्या है, ठीक है, वो सब हम लोग क्या पेटीएम में यूज़ कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों, आपका ध्वनि वॉलेट में जो पैसा है वो ध्वनि वॉलेट टू बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है, उसके लिए भी बताऊंगा मैं किस तरह से ट्रांसफ़र करना है दोस्तों, ठीक है। आज का वीडियो बहुत नॉलेजफुल होने वाला है, तो इसके लिए वीडियो पूरा देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ध्वनि ऐप्स के होम पेज में आने के बाद में ये आपको वॉलेट में जाना है, ठीक है। जैसा वॉलेट में जाएंगे तो इधर बैंक, इधर ट्रांसफ़र टू बैंक करके लिखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आज सबसे पहले अभी बता दूंगा, ये जनरल बैलेंस में जो पैसा हमारा पड़ा है ये है, इसको बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, किस तरह से कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसफ़र टू बैंक पर क्लिक करना होगा। जैसा ट्रांसफ़र टू क्लिक पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका एक बैंक उधर पहले से ऐड है तो इधर शो हो जाएगा दोस्तों ऊपर में, ठीक है। अगर आपका बैंक शो ऐड नहीं है तो आपको इधर नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका फिल करना होगा दोस्तों। अकाउंट होल्डर नेम, आपका नाम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, और आपका बैंक IFSC कोड डालना है, और ब्रांच नेम डालना है, ठीक है। इस तरह से डाल के, और आपका करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट उसको चूज़ करना है ऊपर में, ठीक है। देख रहे हो आप, इसमें है, ठीक है, इसको फिल करना है। वो फिल करने के बाद में नीचे ऐड अकाउंट करके लिखा है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद में आपका बैंक ऐड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद में क्या कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे आपका बैंक ऐड हो जाएगा ऊपर शो हो जाएगा दोस्तों, आपका जो भी बैंक है शो होगा ऊपर में, ठीक है। तो उसके बाद में उसके ऊपर क्लिक करना है, देखिए इस तरह से क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो भी उधर अमाउंट डालना है उसको डाल देना है। जैसे मेरा उसमें 130 है तो इसको डाल देता हूँ दोस्तों मैं। उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, देखिए इसमें आपका, इसमें क्या होता है, बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए मिनिमम 10 रुपीज़ कटेगा, और ज़्यादा अमाउंट है तो 2.75% चार्ज लगेगा दोस्तों, ठीक है, प्रोसेसिंग चार्ज, ठीक है। अभी मेरा 130 है तो इसमें मेरा 10 रुपया चार्ज लग गया, तो मेरे को 140 रुपीज़ हो गया टोटल, मतलब 140 तो मेरे पास नहीं है, तो इसके लिए फिर थोड़ा कम करेंगे, इसमें 120 करके देखता हूँ, इस तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए, अभी 120 किया तो मेरा बराबर से ठीक हो गया दोस्तों, 120 रुपीज़ मेरा अमाउंट है, और 10 रुपया प्रोसेसिंग फी हो गया, और टोटल 130 हो गया, ठीक है। उसके बाद में नीचे ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है, ठीक है, ये देखिए। ये देखिए मेरा अभी 120 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो गया मेरे बैंक में भी, ठीक है। ये देखिए, ये तो ऊपर मैसेज आ गया दोस्तों ध्वनि पैसे रुपीज़ 120 ट्रांसफ़र यूनिटेड करी, देखिए अकाउंट नंबर ये पूरा आ गया दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से देखिए, इधर है, इधर बता रहा है योर बैंक ट्रांसफ़र इज सक्सेसफुल, ओके, देख रहे हो आप पूरा। देखिए दोस्तों, मेरा ट्रांसफ़र अमाउंट 120 रुपीज़ हो गया, देखिए इधर सक्सेसफुल करके दिखा दिया, इधर देखिए इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। ये बैंक का इस तरह से होता है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली नहीं है, ठीक है। अभी वॉलेट में जाके चेक करेंगे अपडेट क्या है, ये देखिए, अभी आप देख रहे हो, पहले मेरा इधर 130 था, अभी 0 हो गया, ठीक है, इस तरह से
कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हो गया। अभी आपको बताऊंगा यहाँ पे धनी गैस का ये लॉक है, देखिए इधर मेरा 2811 रुपया पड़ा है धनी गैस से, ये लॉक है। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके लिए इस सब करने के लिए हमारे हाथ में पूरा नहीं दिया है धनी वाले ने। ठीक है दोस्तों, इसको यूज़ करने के लिए हमारे हाथ में सिर्फ 2% दिया गया है, जैसा कि रिचार्ज, बिल पेमेंट कुछ भी करने के लिए सिर्फ 2% मिलेगा दोस्तों उससे। ठीक है, हमारे हाथ में नहीं है पूरा का पूरा, और ज़्यादा क्या करना है वो धनी वाले के हाथ में है। अभी रिचार्ज बिल पेमेंट के लिए 2% दिया गया है, और आपका जो भी लोन है वो लोन का पे करने के लिए 20% मिलेगा दोस्तों वो धनी गैस से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से करना है दोस्तों। और जो भी इसमें जो कोई बोल रहा है कि इसका पेटीएम में ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर कोई भी पेटीएम में यूज करने के लिए, दोस्तों ये सब झूठ है। इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं दिया, पेटीएम का ऑप्शन कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे व्यूज पाने के लिए या उल्टा पुल्टा करके वो आपको बता रहा है। ठीक है, आप लोग को सच क्या है यही है दोस्तों। इसको सिर्फ हम लोग को रिचार्ज, बिल पेमेंट या फिर हमारा EMI पे करने के लिए मिलेगा, लेकिन पूरा उसमें से नहीं होगा दोस्तों। रिचार्ज बिल पेमेंट के लिए 2% मिलेगा, वही है हमारे हाथ में सिर्फ उतना ही है दोस्तों। धनी वाले ने सिर्फ उतना ही दिया है, पूरा का पूरा हमारे हाथ में नहीं दिया दोस्तों। ठीक है, और जो भी आपका तो महीने का जो भी लोन का EMI पे होता है, उसके बाद में 15-20 दिन या एक महीना के बाद में, पता नहीं हो कितना दिन के बाद में, वो लोग ये धनी कैसे कुछ उठा लेगा पैसा, और उसको आपको अभी तो थोड़ा 150 सेंड किया था लास्ट टाइम में, देखते हैं अभी कितना करता है। ठीक है, इसका पूरा सच्चाई यही है दोस्तों। अभी आप उधर यूट्यूब का वीडियो देख के पूरा ऐसा सोच के कुछ भी मत करना, जो भी रियलिटी है यही है दोस्तों। ठीक है, अभी धनी वाले का रूल बहुत चेंज हो गया। पहले धनी ऐप्स बहुत अच्छा था, गेम खेल के अर्निंग भी होता था, और जो भी वहाँ पर धनी कैश होता था उसको हमारे जनरल बैलेंस में मिलता था दोस्तों। अभी उसके लिए अभी कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ चेंज हो गया दोस्तों। ठीक है, अभी इसमें कुछ भी हो गया तो धनी कस्टमर केयर में बात करने के लिए भी नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा दिक्कत आ गया या फिर आप धनी कस्टमर केयर से बात कर नहीं पा रहे, तो उसका नंबर भी है, अगर आपको चाहिए तो कुछ ऐसा बात करना आपके मन कर रहा है तो उसका नंबर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आज का जो भी सच्चाई वही है दोस्तों, इसका धोनी का सच्चाई वही है। कोई भी ऐसा दूसरा वीडियो देखिए उसके चक्कर में मत पड़। आई होप कि आप लोग को इससे कुछ नॉलेज मिला होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेके आते रहते हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।